नौकरी का झांसा देकर टीपी नगर में तैनात दरोगा ने लड़की का अपहरण किया। दरोगा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़िता के परिजनों ने आईजी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। परिजनों के आरोप है कि अगर दरोगा संजीव डोगरा की गिरफ्तारी हुई होती तो हमारी लड़की दोबारा गायब नहीं होती। मांग है अगर आज संजीव डोगरा अगर गिरफ्तार कर लिया जाता तो मेरी बेटी आज फिर इनसे गायब नहीं होती, वो नहीं उठाई जाती है जी। और हमें धमकी देते हैं मारने की, सोमवार में तारीख थी लड़की के बयान होने थे जी, हाँ जी, और सोमवार की सुबह में ही हो गया। दरोगा की गिरफ्तारी के लिए बीजेपी नेताओं ने भी आईजी से मुलाकात की। मेरठ में निरंतर बढ़ते हुए अपराधों को प्रति चिंता व्यक्त करने के लिए और उन पर होने वाली कार्रवाई की मैं थोड़ा तेजी लाने के लिए हम आज आईजी साहब से मिले। दो तीन विषय थे, एक विषय था जो सैनी परिवार की लड़की पहले गई थी, बरामद हो गई थी, उसके बाद पुनः 4 दिन से गायब है। आज तक भी उस पुलिस दरोगा के ऊपर कोई कार्रवाई पुलिस विभाग ने नहीं की है ऐसा लगता है, तो उसको लेकर सारा समाज, सैनी समाज सारा आंदोलित है, उस विषय को लेकर हम आईजी साहब से हमने चिंता व्यक्त की थी। जब तक पुलिस के आला अफसर ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं करेंगे और संरक्षण देते रहेंगे तब तक अपराधियों का मनोबल ऊंचा रहेगा और आम लोगों का कानून से भरोसा उठ जाएगा।